नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर 360 गुप्ता पे। आज की वीडियो में दोस्तों आपके लिए जो मैच कवर करेंगे वो मैच है दोस्तों ACS टीटन मिलन का आज के दिन का तीसरा मुकाबला जो यहाँ पे खेला जाएगा टीम BOG वर्सेस टीम BGS के बीच में। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आप सभी को इस मैच की कंप्लीट एनालिसिस करके दूंगा और आप सभी भाइयों को बताऊंगा कि इस मुकाबले में कौन से प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे स्मॉल लीग के लिए और कौन से प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे ग्रां लीग के लिए। किन प्लेयर्स को आप लोग अपनी टीम एज अ कैप्टन और किन प्लेयर्स को आप लोग अपनी टीम एज अ वाइस कैप्टन पिक करके चल सकते हैं। बस आपको वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है, पूरी देखनी है अगर आप लोग इस मुकाबले में विन करना चाहते हैं या फिर दोस्तों कुछ अर्न करना चाहते हैं। बाकी जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी आफ्टर लाइनअप या टॉस के बाद या दोस्तों जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी वो सीधा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अभी के समय 13,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं और रोज़ाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। और आप लोग भी अगर हमारे चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट दोनों जगहों पर सबसे पहले नंबर पर मिल जाएगा। तो किसी भी जगह से जाके आप सीधा हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और मेरी दी गई टीम का प्रॉफिट उठा सकते हैं। तो ये काम दोस्तों ज़रूर कर लें क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। तो सबसे पहले चलते हैं स्कोर कार्ड की ओर जहाँ पर मैं आपको दोनों टीम्स के लास्ट मैच के परफॉर्मेंस के बारे में बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ कि यहाँ पे जो टीम BOG है वो आज के दिन का अपना पहला मुकाबला जीत कर आ रही है और जो टीम BGS है वो आज के दिन का भी अपना पहला मुकाबला खेल रही है। तो सबसे पहले BOG के लास्ट मैच के स्कोर कार्ड को चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर BOG अपना लास्ट मैच 39 रनों से जीत कर आए हैं। इस मैच में इनकी टीम ने सबसे पहले बैटिंग करते हुए 10 ओवर के अंदर 128 रन बनाए थे 3 विकेट के नुकसान पे, और जब बारी आई थी इनकी इस टारगेट को डिफेंड करने की तो ओपोनेंट को 90 रनों पे रोका और उनके 5 विकेट गिरा दिए। तो इनकी ओर से दोस्तों यहाँ पर एन फर्नांडो जो कि इस टीम के कैप्टन है ओपन करने जो कि मतलब इस टीम के इंपॉर्टेंट प्लेयर है ओपन करने आते हैं मधुपा के साथ, दोनों ही यहाँ पर ठीक ठाक परफॉर्म करते हैं। एन फर्नांडो यहाँ पर दोस्तों 13 गेंदों पर 22 रन बनाते हैं और मधुपा दोस्तों यहाँ पर 13 गेंदों पर 8 रन बनाते हैं। वन डाउन दोस्तों इनकी ओर से चरित परेरा आते हैं जो कि 11 गेंदों पे 13 रन बनाते हैं। अशंका परेरा जो कि इनके कीपर हैं काफ़ी अच्छी इनिंग खेलते हैं, 16 गेंदों पे 37 रन बनाते हैं। और इनके जो कैप्टन है डिरंगा फर्नांडो वो यहाँ पर आकर 8 गेंदों पे 6 रन मात्र बनाते हैं। तो इनकी ओर से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट और मेन बैट्समैन रहेंगे वो दोस्तों यहाँ पर एन फर्नांडो रहेंगे, मधुपा इंपॉर्टेंट रहेंगे, चरित परेरा और यहाँ पर अशंका परेरा। तो बैटिंग से इनकी ओर से ये 4 जो बैट्समैन है वो आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे जिनको आज आप लोग पिक करके चलोगे। वहीं पर अगर मैं इनकी बॉलिंग की बात करूँ तो के ये 5 विकेट निकालते हैं और देखा जाए तो इन्होंने दोस्तों अपने टोटल 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, जहां पर फर्नांडो मधुपा ने 2 ओवर की बॉलिंग करके 1 विकेट निकाला, जाकी महमूद ने गेंदबाजी थोड़ी महंगी की पर ये एक विकेट टेकर बॉलर है, हो सकता है कि इस वाले मैच में ये विकेट निकाल दें। एन फर्नांडो ने भी 1 ओवर की बॉलिंग की यहाँ पर। इसके अलावा चरित परेरा ने 2 ओवर के अंदर 2 विकेट निकाले, एन फर्नांडो ने भी यहाँ पे 202 ओवर की बॉलिंग की 1 विकेट निकाला, इनके काफ़ी कैचेस छोड़े गए। इसके अलावा यहाँ पे पवन कादरी ने भी 1 ओवर के अंदर मात्र 8 रन दिए और 1 विकेट निकाला। तो इनकी टीम की ओर से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट और मेन बॉलर रहेंगे वो दोस्तों यहाँ पे मधुपा रहेंगे, जाकी महमूद रहेंगे, निरंगा हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, चरित परेरा। तो देखा जाए तो इनकी टीम मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है और हो सके तो आप इनकी टीम से ज़्यादा प्लेयर्स को पिक करके चल सकते हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों इनकी ओपोनेंट टीम की। अगर मैं अपोनेंट टीम की बात करूं तो इनका जो मैच है वो अभी चल रहा है और इनकी टीम ने पहले यहाँ पे गेंदबाजी की थी। इनकी टीम के काफ़ी ऐसे प्लेयर्स थे जिनका जो स्टेट्स था वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं था, फिर भी मैंने आपको एक काफ़ी ठीक ठाक टीम प्रोवाइड कर दी थी। तो इनकी ओर से आप देख सकते हो इनकी टीम के पास कितने ज़्यादा बॉलिंग ऑप्शन है, टोटल 8 बॉलिंग ऑप्शन के साथ इनकी टीम प्ले कर रही है, जहाँ पर सलमान महमूद ने प्रॉपर 2 ओवर की बॉलिंग करके 2 विकेट निकाले, अशरफ शाह ने 2 ओवर की बॉलिंग करके 2 विकेट निकाले, बाकी यहाँ पर अली मुबारक ने भी 2 ओवर की बॉलिंग की। इसके अलावा यहाँ पर हरपाल सिंह भी इनके जो मेन बॉलर है इनको सिर्फ 1 ओवर बॉलिंग का दिया गया, बाकी यहां पर असमत अली ने भी काफी अच्छी गेंदबाजी की पर इनको भी 1 ओवर मिला। यहां पे मुजीबुल्ला ने अपने 4 गेंदों पे 1 विकेट निकाल लिया और हो सकता है कि आगे ये 1 या 2 विकेट और निकाल कर ले जाएं। तो इनके जो मेन बॉलर होंगे वो सलमान महमूद, अशरफ शाह, असमत अली, अली मुबारक को आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, इसके अलावा आप मुजीबुल्ला को पिक करना चाहो तो कर सकते हो। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आपको ये वीडियो अभी तक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार हमारे चैनल की वीडियोज़ को वॉच कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर ऑल पर प्रेस कर लें ताकि आप सभी को आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। तो ज़रूर दोस्तों ये काम कर लीजिएगा। बाकी जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी आफ्टर लाइनअप या टॉस के बाद या दोस्तों जो मेरी 100% विनिंग
टीम होगी, जिस टीम के साथ मैं खुद इन्वेस्ट करूंगा वो टीम आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अभी के समय 13,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं और रोज़ाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। और आप लोग भी अगर हमारे चैनल से ज्वाइन होना चाहते हो तो आपको हमारे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट दोनों जगहों पर सबसे पहले नंबर पर मिल जाएगा, तो किसी भी जगह से जाके आप सीधा हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो और मेरी दी गई टीम का प्रॉफिट उठा सकते हैं। तो ये काम दोस्तों ज़रूर कर लें क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं सीधा ऐप की और जहाँ पर आपको कमाल का टीम कॉम्बिनेशन क्रिएट करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो आपके सामने यहाँ पे 3 विकेट कीपर नज़र आएंगे, अफजल, दामियान और ए रहमान। अफजल अपनी टीम के लिए विकेट कीपिंग कर रहे हैं लेकिन ये आपको मिडल ऑर्डर के अंदर बैटिंग करते हुए नज़र आएंगे। दामियान की बात की जाए तो ये अभी तक एक भी मैच खेले नहीं है, तो यहाँ पर जो आपके लिए सबसे सेफ चॉइस रहेगी विकेट कीपिंग सेक्शन की वो यहाँ पे दोस्तों अब्दुल रहमान की रहेगी। ये अपनी टीम के लिए विकेट कीपिंग नहीं कर रहे हैं लेकिन एज अ ओपनर बैट्समैन खेल रहे हैं, यानी कि ये अपनी टीम के लिए ओपन करने आएंगे। और इनके अगर मैं लास्ट मैचेस की कुछ बात करूँ तो लास्ट मैच में इन्होंने कुछ 92 रन की इनिंग खेली है, तो बैट्समैन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी इनिंग खेल सकता है, जिस कारण से दोस्तों यहाँ पर मैं इनको पिक करके चलूँगा। बाकी आप यहाँ पे चाहो तो अफजल को ट्राई कर सकते हो लेकिन ये बैटिंग काफ़ी ज़्यादा नीचे करें, जिस कारण से यहाँ पर मैं इनको पिक नहीं करूँगा। बैटिंग की बात की जाए दोस्तों तो आपके सामने यहाँ पे पिक निकल के आएगी सैफियान अली की। इनका सिलेक्शन देखिए 77% है, लास्ट मैच में 33% लोग इनको कैप्टन बना के आए हैं। मुझे नहीं पता क्यों इनको कैप्टन बना के आए हैं, क्योंकि इनका कोई रिकॉर्ड कुछ खास था नहीं और मुझको मिला भी नहीं था, ना ही ये बॉलिंग करते हैं और ना ही इन्होंने अभी तक बैटिंग की हुई है। हो सकता है आने वाले मैचेस में बॉलिंग करें, क्योंकि देखिए टी10 में हर एक बंदा बॉलिंग कर लेता है और कोई भी प्लेयर एक ओवर के अंदर 3 से 4 विकेट निकाल लेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक मेन बॉलर है। तो आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। बाकी सैफ अली एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, 1 डाउन आपको बैटिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। एंड नंदाना अपनी टीम के लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आपको बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग करके देंगे और सबसे बड़ी बात अपनी टीम के लिए ओपन करने आते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे 2 बैट्समैन और हैं जैसे कि सी परेरा, ए परेरा, दोनों ही यहाँ पर काफ़ी कमाल के प्लेयर हैं। सी परेरा देखिए 1 डाउन बैटिंग करने आते हैं और अपनी टीम के लिए 2 ओवर की बॉलिंग भी की थी और 2 विकेट भी निकाले थे और इनके दूसरे ओवर में 2 कैचेस भी छोड़े गए थे, अदरवाइज ये यहाँ पे 4 विकेट लेकर जाते। वहीं पर अगर बात की जाए ए परेरा की, तो अगर इनकी टीम का टॉप ऑर्डर फेल हो जाता तो यहाँ पर आकर ये फिर से एक बार अच्छी इनिंग खेल सकते हैं और हो सकता है कि इस बार इनकी जो टीम है वो इनको प्रमोट भी कर दे। तो आप चाहते हो इनको पिक करना तो यहाँ पे कर सकते हो। आपके सामने टोटल 4 मेन बैट्समैन की जो है यहाँ पर पिक रहने वाली, तो ये आपकी चॉइस है आप यहाँ पे किसके साथ जाना चाहते हो। ऑलराउंडर सेक्शन की मैं बात करूँ, ए मुबारक इंपॉर्टेंट है, बैटिंग बॉलिंग दोनों कराएंगे, ए अली इंपॉर्टेंट है, मेस्ट आगे। दोस्तों देखिए लास्ट मैच में इनका सिलेक्शन इतना ज़्यादा था और इनको काफ़ी लोग वाइस कैप्टन भी करके आए थे, तो इतने बड़े प्लेयर को ड्रॉप करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। मान लीजिए अगर मैं इनको ड्रॉप कर देता और ये पर अगर बॉलिंग कर देते और अगर एक विकेट तक ले जाते तो हमारा काफ़ी लॉस यहाँ पे हो सकता था, लेकिन लास्ट मैच में इन्होंने एक भी ओवर की बॉलिंग नहीं की और ना ही ये बैटिंग करने आए, इस कारण से मैं इनको पिक नहीं करूँगा। इनकी जगह पर मैं इस महमूद को पिक करूँगा। बाकी यहाँ पर जय महमूद की काफ़ी अच्छी पिक है, एच सिंह की काफ़ी अच्छी पिक है, तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हो। किसकी जगह पर, ए परेरा की जगह पर आप यहाँ पर चाहो तो किसी एक प्लेयर को ले सकते हो। तो अभी के लिए यहाँ पर मैं दोस्तों अपनी टीम में एन फर्नांडो को लेके जाऊंगा। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अपनी टीम का कैप्टन है, बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी कर लेता है। लास्ट मैच में इनके जो ओवर हैं वो काट दिए गए थे, अदरवाइज ये भी यहाँ पे विकेट लेकर जा सकते थे। तो आप चाहो तो जय महमूद की, मतलब एन फर्नांडो की जगह पर आप चाहते हो तो जय महमूद को ले रहे हैं, इनको ले सकते हो क्योंकि ये आपको पावर प्ले के अंदर बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे, लेकिन मैं भी के लिए दोस्तों यहाँ पर एन फर्नांडो के साथ जाऊँगा। बॉलिंग की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर मैं मधुबा को पिक करूँगा, इसके अलावा यहाँ पर मैं एसा को पिक करूँगा और लास्ट बॉलर आपको पिक करना है। यहाँ पर आप किसको लेना चाहोगे, आप उल्ला के साथ जाना चाहो इनके साथ जा सकते हो। बाकी मैं यहाँ पे कादरी के साथ जाऊँगा, जो कि अपनी टीम के लिए लास्ट मैच में आखिरी का ओवर कराने आए थे, यानी कि 10वां ओवर अपनी टीम के लिए लेकर आए थे। तो देखा जाए दोस्तों मेरी जो टीम है वो यहाँ पर रेडी हो गई है, तो दोनों ही टीम्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हैं, जिस कारण से एक बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे बनाया है। 5 प्लेयर हम लोगों ने यहाँ पे BOG के पिक किए हैं और 6 प्लेयर हम लोगों ने यहाँ पे BGS के पिक किए हैं। कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं तो मैंने यहाँ पे 1 कीपर, 3 बैट्समैन, 4 ऑलराउंडर, 3 बॉलर का कॉम्बिनेशन तैयार किया है। बात की जाए अगर यहाँ पर कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, किस प्लेयर को कैप्टनसी और किस प्लेयर को वाइस कैप्टनसी देनी है, तो मेरे हिसाब से जो कैप्टन के सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो अली मुबारक हैं, क्योंकि ये बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी करते हैं। बाकी आप यहाँ पे चाहो तो मधुपा को कैप्टन कर सकते हो और वाइस कैप्टन नंदाना को कर सकते हो, ये थोड़ा सा सेफ रहेगा आपके लिए।
और मैं दोस्तों अभी के लिए इसी टीम के साथ जाऊंगा, और यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन जो है वो मेरे सेम ही रहेंगे, क्योंकि इनकी जो टीम है वो लास्ट मैच अपना जीत कर आई है, जिस कारण से मुझे लग रहा है कि इस मैच में भी इनकी टीम अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो मेरी दोस्तों टीम जो है वो यहाँ पर रेडी हो गई है, इसको सेव कर देते और एक बार आप लोग हमारी इस टीम का प्रीव्यू ले लीजिए। सेम टीम के साथ दोस्तों स्मॉलिक ज्वाइन करेंगे, सेम टीम के साथ दोस्तों ग्रालिक ज्वाइन करेंगे, तो एक बार आप लोग हमारी इस टीम का प्रीव्यू ले लो। जहाँ पर भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करें वहाँ पर जाकर दोस्तों आप लोग हमारी इस टीम का यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर हमारी इस टीम से कोई भी प्लेयर नहीं प्ले करता आफ्टर लाइन अप टॉस के बाद, या दोस्तों जो हमारी 100% विनिंग टीम होगी जिस टीम के साथ मैं खुद इन्वेस्ट करूँगा, वो टीम आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अभी के समय 13,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं और रोज़ाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। और आप लोग भी अगर हमारे चैनल से ज्वाइन होना चाहते हो तो आपको हमारे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट दोनों जगहों पे सबसे पहले नंबर पे मिल जाएगा, तो किसी भी जगह से जाके आप सीधा हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो और मेरी दी गई टीम का प्रॉफिट उठा सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटा दबा लेना आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।